हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका गार्डन दोस्त अमन और आप देख रहे हैं अमन टेरेस गार्डन। तो फ्रेंड्स, हम आपको आज एक ऐसे मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जो हमारे गार्डन में रिसेंटली ऐड हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आपको कुछ नए पौधे के बारे में बताएंगे, हमने वो कहाँ से ख़रीदे हैं, उनके दाम और क्या क्या उनकी कॉस्ट है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो तक एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको वन बाय वन करके बताते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक ये वाला प्लांट ख़रीदा है जिसका नाम है स्वीट पोटैटो वाइन। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी वाइन है जो कि काफ़ी दूरी तक आप जा सकती हैं और इसको हमने ख़रीदा है 40 रुपये में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा सा प्लांट है और काफ़ी दिनों से मुझे इसकी तलाश थी। खास आखिरकार मुझे इस नर्सरी में मिल ही गया। उस नर्सरी का नाम भी हम आपको एंड में बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उसके बाद हमने एक प्लांट ख़रीदा है, ये बिगोनिया का ये वाला। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छा सा प्लांट है। इसमें वहाँ पर तीन शेड थे, एक था रेड, वाइट और एक ये वाला पिंक। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने इसको ये वाला प्लांट बाय किया है। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छा सा प्लांट है और ये मुझे 50 रुपये में मिला है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा सा प्लांट है, एक प्लांट के तो मैं कई सारे प्लांट बना लूँगा। तो उसके बाद हमने बात ख़रीदा है ये गुलदाउदी। तो फ्रेंड्स, वैसे तो गुलदाउदी का सीज़न अभी जाने वाला है, पर फिर भी मेरे पास नहीं थे ये वाले प्लांट, तो मुझे अपने गार्डन में ऐड करने थे, तो मैंने इनके तीन प्लांट ख़रीदे। चूँकि वहाँ पर तीन ही कलर थे, एक ये वाला, एक ये येलो कलर है, ये मिनिएचर वाली वेराइटी है, ये ड्रॉप वाली वेराइटी है, ताकि इसके छोटे से ही प्लांट में काफ़ी अच्छे अच्छे से फ्लावर आते रहते हैं। तो एक मैंने ये येलो वाला ख़रीदा है, इस पर बर्ड्स भी आ रही थी जो कि अभी खिलने वाली हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे मैंने आइडेंटिफाई किया है इसको। तो एक ये वाला प्लांट ख़रीदा है मैंने, उसके बाद एक ये वाला पिंक वाला, इसमें भी काफ़ी अच्छे फ्लावर भी आ रहे हैं और बर्ड्स भी आ रही हैं नीचे से। ये देखिए प्लांट, काफ़ी अच्छा सा प्लांट है। उसके बाद एक ये वाइट वाला, ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसमें भी फ्लावर्स भी आ रहे हैं और बर्ड्स भी बहुत सारी आ रही हैं और नीचे से बेबी प्लांट्स भी काफ़ी सारे निकल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बेबी प्लांट भी काफ़ी अच्छे से निकल रहे हैं। तो ये मैंने प्लांट बाय किए हैं और ये सारे प्लांट मैंने बाय किए हैं श्री राम नर्सरी से, जो कि हैं सुवासरा रोड श्यामगढ़ में। यदि आप में से किसी को बाय करना हो तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, एक प्लांट मैंने ये वाला बाय किया है, ये है बोगनविलिया, जो कि वाइट कलर का है। इसका येलो वाला शेड मेरे पास पहले से है, लेकिन मेरे पास ये वाइट वाला शेड नहीं था, इसलिए मैंने ये बोगनविलिया बाय किया है वाइट कलर का। देखिए फ्रेंड्स, इसमें फ्लावर्स भी ब्लूम कर रहे हैं, ये छोटे छोटे फ्लावर्स भी ब्लूम कर रहे हैं इसमें। बहुत ही जल्दी इसमें हेवी फ्लावरिंग होने वाली है, ये देखिए फ्रेंड्स। और ये इस तरीके से एक छोटे से पॉलीबैग में लगा हुआ है, जो कि मैंने बाय किया है गवर्नमेंट नर्सरी से, जो मुझे मात्र 20 रुपये में मिला है। बहुत ही अच्छे से प्लांट हैं, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रखी है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ प्लांट की शॉपिंग, जिसको हम जिस भी गमले में रिपोर्ट करेंगे तो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इन विच अमन टेरेस गार्डन। धन्यवाद।